सहारनपुर की थाना जनकपुरी व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने धोखाधड़ी कर नकली सोने के सिक्कों को असली बता बेचकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 अभियुक्त मृत्युंजय पुत्र साधन बागदी, सोमनाथ दत्त पुत्र बुधदेव दत्त, किरण मिधा पुत्र ओलियोल्ला मिधा, शेख रफीकुल इस्लाम पुत्र शेख मुश्तफा, इस्माइल शेख उर्फ सागर पुत्र मुकीद शेख, शेख खैरुल पुत्र अब्दुल सालिक सभी निवासी पश्चिम बंगाल व सौरभ सैनी पुत्र सुरेश मिस्त्री, राकेश पुत्र नगीना सिंह दोनों निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 557 नकली सिक्के, पीली धातु, 6 एंड्रॉयड फोन, 1 की पैड फोन, 91,500 रुपये नकद, 2 अंगूठी पीली धातु, 1 वोटर आईडी कार्ड, 1 आधार कार्ड बरामद किए हैं और 4,50,000 रुपये अभियुक्तों के बैंक खातों में कराए गए फ्रीज। मामले का खुलासा एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने आज प्रेस वार्ता कर किया। काम के दौरान उनको कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे जिनकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है और उसमें गोल्ड है, और ये आदमी ये सुनकर आते थे, एक बार ये बहकाने के लिए एक उसको जेन्युइन सिक्का दिया करते थे जिसमें अच्छी गोल्ड की प्योरिटी होती थी और उसे 20 से 25 हज़ार रुपये का वो सिक्का बिक सकता था मार्केट में, और इसी प्रलोभन में आकर अगले दिन ये उसी वादी से मिलते थे और उससे 500 सिक्के या 600 सिक्के देने के वादे में उससे 10 से 15 लाख की ठगी ये कर लिया करते थे। ऐसे 2 मुकदमे जनकपुरी थाने में पंजीकृत हुए, एक जो पार्टी थी वो मेरठ की थी, दूसरी मुजफ्फरनगर की थी। इन लोगों के साथ कुल मिला के 15 लाख रुपये तक की ठगी हुई थी, मेरठ वाले के साथ 10 लाख की, और जो मुजफ्फरनगर वाले हैं उनके साथ, पुरकादी वाले जो हैं उनके साथ 5 लाख की ठगी इन्होंने करी थी। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और सर्विलेंस के माध्यम से ये पूरे गैंग का अनावरण किया है। इसमें जो ये रहने वाले सारे लोग हैं ये मुख्यतः रूप से जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ पर ये अपने जो जानने वाले लोग हैं जो सहारनपुर लोकल में फैक्ट्री में काम करते हैं और जिनका कई रूट्स कोई ना कोई कनेक्शन बंगाल से है, उनके यहाँ पर ये आके रुकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो स्कैम है वो ऑपरेट बीरभूम से ही होता है, इनके गाँव से, इनके गांव में एक जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वही नंबर ऑब्टेन करता है यहाँ कर, और वही वहाँ से बात कर इनको पूरी लोकेशन बताता है कि इससे मिलना है और इसके साथ इस तरह की ठगी करनी है। और ये इसमें ये भी एक देखने वाली बात है कि ये लोगों को बदली करके भेजा जाता है कि जब 2 बार या 3 बार एक ग्रुप, 2 लोगों का ग्रुप या ठगी कर लेता है उनको वापस बुला लिया जाता है बंगाल, और उसके बाद 2 नए लोगों को भेजा जाता है। इसमें जितने भी पैसे इनके द्वारा लिए गए थे कुछ पैसे हमने रिकवर किए, जिसमें से कुछ 91,000 रुपये हमने रिकवर कर लिए, कुछ 2 सोने की अंगूठी जो इन्होंने यहाँ से ठगी के पैसे से खरीदी थी वो हमने रिकवर कर ली। उसके अलावा इन्होंने सारे के सारे पैसे जनसेवा केंद्र में जाकर इन्होंने अपने जो अकाउंट्स हैं बंगाल के उसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे। 9 से 10 अकाउंट्स की डिटेल हमें मिल गई हैं जनसेवा केंद्र के माध्यम से, और उसमें कुछ हमने 4 से 4.5 लाख रुपये उसमें फ्रीज भी हमने करा दिए हैं, और भी जैसे जैसे डिटेल्स आगे आएंगी तो और पैसा फ्रीज होने की हमारी अभी भी आकांक्षा बनी हुई है, और पैसा भी इसमें फ्रीज हो सकता है। तो इस तरह ये पूरा जो गैंग है वो पूरा हमने इसका अनावरण किया। जैसे मैंने आपको बताया जो लोग हमने सहारनपुर के उठाए, एक पेपर मिल चौकी क्षेत्र का रहने वाला है, एक हसनपुर चुंगी क्षेत्र का रहने वाला है, इनके परिवार से कोई पुराने लोग रहने वाले बंगाल के हैं लेकिन ये लंबे समय से फैक्ट्री में यहाँ पे काम कर रहे हैं या कुछ ठेकेदारी का काम कर रहे हैं सहारनपुर में। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं लेकिन जब हम सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने तहसील रामपुर मनिहारान स्थित ग्राम नंदपुर में अस्थायी गौ आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। वह गायों के पास पहुंचे और गौसेवा करने के साथ उनको गुड़, केला और हरा चारा खिलाया। जिलाधिकारी ने गौशाला में व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद की अन्य गौशालाओं में भी ऐसे ही बेहतर व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में भूसा, हरा चारा, छाया एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसी के साथ गोवंश को गर्मी से बचाव के दृष्टिगत बेहतर उपाय किए जाएं। सहारनपुर में मुहर्रम की 4 तारीख को नगर के विभिन्न इमाम बारगाहों में मजालिस में मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने हजरत हबीब इब्ने मजाहिर अलैहिस्सलाम की शहादत पर रोशनी डाली गई। मजालिस में सबसे पहले मरसिए खानी की गई। मरसिया पने वालों में आसिफ अलवी, सलीस हैदर काजमी, हमजा जैदी, सलीम आब्दी, ख्वाजा रईस अब्बास आदि थे। मजालिस के आखिर में नौहा खानी की गई, जिसमें अंजुमने अकबरिया व अंजुमने इमामिया व अंजुमने सोगवारे अकबरिया ने नौहा खानी व सीनाजनी की। हम तो मेरे
सहारनपुर में वार्ड 32 की अब्दुल्ला कॉलोनी नमक मिल क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर पार्षद व क्षेत्रवासियों ने 66 KV बिजली घर लिंक रोड में विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। पार्षद जफर अंसारी ने बताया कल रात से क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही थी। जब रात में ही बिजली को ठीक कराया गया तो बिजली के हाई वोल्टेज होने के कारण लोगों के घरों के फ्रिज, पंखा, कूलर, टीवी फूंक गए। अब्दुल्ला कॉलोनी पर और लगभग सारी रात हो गई, लोग बहुत परेशान रहे। रात में जो ठीक करी भी गई वो भी काफ़ी 2-3 घंटे के बाद तो ठीक हुई। ठीक होने के बाद उसमें जो है ऐसी हो गई कि वो कभी तो बहुत तेज वोल्टेज आ जाए और कभी हल्का। इसके कारण कई लोगों के टीवी, फ्रिज और पंखे वंखे फूक गए। कौन से क्षेत्र का मामला है ये? अब्दुल्ला कॉलोनी नमक मिल। कब से हो रही लाइट काम? ये लगभग रात के 24 घंटे 10 बजे जी रात मैंने खुद फोन किया था। उसके लगा कि जी स्टाफ नहीं है, रात का सिस्टम हमारे यहाँ पे बहुत खराब है। सहारनपुर में जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी मनीष बंसल से मिला। भगत सिंह वर्मा ने जिलाधिकारी को गन्ना भुगतान, आवारा पशु व छुटा पशु सहित समस्याओं अवगत कराया। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए बताया कि नुमाइश कैंप के अमरदीप कॉलोनी में MDM पब्लिक स्कूल गेट के ठीक सामने के मकान मालिक ने रोड विलर खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं, जिसके भौंकने से स्कूली बच्चे भयभीत हो जाते हैं और कभी भी अप्रिय घटना होने का अंदेशा है, जिस पर जल्द कार्यवाही की जाए।